मैं यशवंत कुमार सिंह पिछले 15 वर्षों से निश्चय आईएएस एकेडमी दिल्ली में दर्शन शास्त्र पढ़ा रहा हूं। यदि निश्चय आईएएस एकेडमी के रिजल्ट को देखा जाए तो पिछले 15 वर्षों में निश्चय आईएएस एकेडमी के लगभग 100 प्लस बच्चे आईएएस में सफल हो चुके हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सभी बच्चे टॉप रैंकर्स में हैं, बेशक कुछ बच्चों की रैंक अच्छी है और कुछ बच्चों की रैंक बहुत नीची भी लगी है, लेकिन निश्चय आईएएस एकेडमी कि प्रत्येक टीचर की मेहनत के कारण लगभग 100 प्लस विद्यार्थी आईएएस में सफल हो चुके हैं। मैं दर्शन शास्त्र पढ़ाता हूं जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस का एक लोकप्रिय विषय है। दर्शन शास्त्र के बारे में एक गलत धारणा यह है कि दर्शन शास्त्र आत्मा और परमात्मा के बारे में है। दर्शन शास्त्र का अध्ययन वही विद्यार्थी कर सकता है जो आध्यात्मिक हो, या बहुत ही कठिन विषय है। मैं यह बताना चाहता हूं आपसे कि बेशक दर्शन शास्त्र एक अच्छा विषय है, यह विषय रटने वाला नहीं है, समझने वाला है। इस दर्शन शास्त्र के बारे में अब कुछ बातें बताना चाहता हूं कि दर्शन शास्त्र एक कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, अर्थात जो बच्चा समझना चाहता है या समझने पर बल देता है उन बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए दर्शन शास्त्र एक अच्छा विषय है। जैसे मान लिया जाए आपको 2+2=4 सिखा दिया गया, जोड़ घटाना गुणा भाग देना सिखा दिया गया, तो चाहे अंक कितने ही बड़े न हों, हर विद्यार्थी उसे सॉल्व करने में सफल हो जाता है। दर्शन शास्त्र के साथ साथ ऐसा ही है। एक तो यह समझने वाला विषय है, और एक बार यदि कोई विषय समझ में आ गया तो यूपीएससी या स्टेट पीसीएस किसी भी तरह का प्रश्न पूछे हम उसे सॉल्व कर सकते हैं और अच्छे अंक पा भी सकते हैं। इसलिए बीटेक बैकग्राउंड के बच्चे दर्शन शास्त्र का चयन बड़े पैमाने पर करते हैं। यह एक अंकदायी विषय है। मैं आपसे यह नहीं कहता कि आप आईएएस में 500 नंबर में 330 नंबर पा सकते हैं या पा जाएंगे। बेशक हर अच्छे बच्चे को 300 प्लस मिला है, लेकिन यह मैं आपके साथ दावे के साथ कहता हूं आपसे कि 280 प्लस नंबर बहुत आसानी से पाया जा सकता है। एक उदाहरण लेता हूं मैं आपसे। पिछले वर्ष अर्थात 2018 में जिन बच्चों ने आईएएस का मेंस लिखा है, विशेषकर
निश्चय आईएएस एकेडमी के वो विद्यार्थी जो आईएएस के मेंस लिखे थे, उसमें एक बच्चा 276 पाया 500 नंबर में, और अन्य सभी बच्चे 280 प्लस पाए। बेशक एक या दो बच्चा ही ऐसा होता है जो 300 प्लस पाता है। फिर आपके मन में प्रश्न उठता होगा कि आप दर्शन शास्त्र का चयन क्यों करें। इस संबंध में मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि दर्शन शास्त्र एक छोटा एवं अंकदायी विषय है। इसका सिलेबस बहुत छोटा है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि बहुत ही छोटा है। मैं दर्शन शास्त्र पढ़ाता हूं, यदि प्रतिदिन 2 घंटे क्लास ली जाए तो 3.5 से 4 महीने में यह सिलेबस समाप्त हो जाता है। दूसरी चीज, यह अंकदायी विषय है, तो आपके मन में यह प्रश्न भी उठता होगा कि यदि दर्शन शास्त्र अंकदायी विषय है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो हर बच्चा फिलॉसफी क्यों नहीं पढ़ता, या फिलॉसफी के हर बच्चे को अच्छे अंक क्यों नहीं आते हैं। मैं ये बताना चाहता हूं कि बेशक यह एक अंकदायी विषय है, लेकिन हर बच्चे को अच्छे अंक नहीं आते। उन बच्चों को अच्छे अंक आते हैं जो समझने पर बल देते हैं या उत्तर लेखन पर सबसे ज्यादा बल देते हैं। मैं पिछले 15 वर्षों से दर्शन शास्त्र पढ़ा रहा हूं, और मैं आपके साथ ये कहना चाहता हूं आपसे कि यदि आप 4 महीना मेरे साथ मेहनत कर सकते हैं तो मैं आपको नंबर दिलवा दूंगा। पर मैं ये भी नहीं कहता आपसे कि आपको 330 दिलवा दूंगा। मैं आपसे ये कहता हूं कि 280 प्लस में आपको नंबर दिलवा सकता हूं। आपको यह लग रहा होगा कि मेरा यह दावा झूठा है, तो मैं अपनी रणनीति बताता हूं। मैं आखिर निश्चय आईएएस एकेडमी के बच्चों को दर्शन शास्त्र नंबर क्यों आते हैं। मान लीजिए किसी भी टॉपिक की शुरुआत हुई तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, उस टॉपिक की पूरी कहानी बच्चों को सुनाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, डेकार्ट एक दार्शनिक है, उसे आधुनिक दर्शन का जनक कहा जाता है। डेकार्ट पैदा कहां हुआ, उसके क्या विचार हैं, ये विचार क्यों दिया, उद्देश्य क्या था, एक कहानी आपको समझा दी जाती है। उसके बाद हर टॉपिक की फ्रेमिंग की जाती है। फ्रेमिंग के बाद हर टॉपिक को प्रॉपर डिस्कस किया जाता है। लेकिन ये तो सभी लोग करते हैं और शायद ही आपको हर जगह उपलब्ध हो जाए, परंतु मैं यहीं तक नहीं रुकता। अब मैं इसके बाद क्या करता हूं कि जब मैं किसी टॉपिक को पढ़ाता हूं तो फ्यूचर में किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं और किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को डिस्कस करता हूं। मान लिया जाए किसी टॉपिक से 10 तरह के प्रश्न पूछे जा चुके हैं, उन प्रश्नों को डिस्कस किया गया, उसके बाद
फ्यूचर में 20 तरह के प्रश्न और बन सकते हैं, तो उन सारे प्रश्नों को भी डिस्कस कर दिया जाता है क्लास में। लेकिन फिर एक बात है, क्या डिस्कशन करने मात्र से बच्चों को लाभ मिलेगा? मेरा मानना है नहीं। अब हम लोग करते क्या है कि प्रतिदिन 2 प्रश्न, मेंस के 2 प्रश्न बच्चों से लिखवाते हैं। जैसे जब कोई विद्यार्थी क्लास में एंट्री करता है, मान लिया जाए सुबह 9 बजे क्लास का समय है, तो 9:05 पर बच्चों को 2 प्रश्न दे दिए जाएंगे और 1 प्रश्न के लिए हार्डली 10 मिनट, अर्थात 20 मिनट में उसे 2 प्रश्नों का आंसर लिखना होता है। और यह समय धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, 1 महीने बाद यह 20 मिनट आ जाएगा सीधे 15 से 16 मिनट, अर्थात 1 प्रश्न के लिए हार्डली 8 मिनट आपको दिए जाएंगे। वो कॉपी अगले दिन चेक करके दे दिया जाता है, जिस बच्चे के आंसर में गलतियां हैं उस बच्चे को बुलाया जाता है, तो उसकी कमियां बताई जाती हैं। लेकिन फिर एक प्रश्न उठा, मान लिया जाए हमने जो टॉपिक पढ़ाया कल उस पर आज 2 प्रश्न मैंने दे दिए, बच्चे ने सॉल्व कर लिया, लेकिन क्या गारंटी कि बच्चा रिवीजन करे? उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, 8 से 9 दिन पर 1 दिन हमारा डिस्कशन क्लास चलता है, और डिस्कशन क्लास में हम बच्चे को टारगेट देते हैं, विद्यार्थियों को, कि यह टॉपिक आपको पढ़कर आना है। बच्चा पढ़ के आएगा, हम बच्चे को पोडियम पर खड़ा कर देंगे। मान लिया जाए ए नामक विद्यार्थी को हमने पोडियम पर खड़ा कर दिया, बी सी डी और ई, ये सारे विद्यार्थी इसे क्रॉस क्वेश्चन करेंगे, और ये विद्यार्थी इनके प्रश्नों का जवाब देता है। टीचर बैठ के ये देखता है कि कहां कहां गलतियां कर रहा है और उसका कमजोर पॉइंट क्या है। इससे 2 फायदा, एक तो बच्चे पर प्रेशर रहेगा और लगातार रिवीजन करता रहेगा, और दूसरा पोडियम पर जब आके जवाब देगा तो उसका डर खत्म होगा, क्योंकि विद्यार्थी को इंटरव्यू भी देना है। पुनः एक प्रश्न उठा, कि यदि सारी बातें जो मैं कह रहा हूं आपसे किसी भी सब्जेक्ट में कराया जाए तो नंबर पाए जा सकते हैं, तो मेरा मानना क्या है, बेशक ऐसा कराया जाए तो नंबर पाया जा सकता है, लेकिन दर्शन शास्त्र के साथ एक प्लस पॉइंट यह है कि जो दर्शन शास्त्र का सेकेंड पेपर है, जैसे दर्शन शास्त्र के 2 पेपर, एक फर्स्ट पेपर एक सेकेंड पेपर, फर्स्ट पेपर में 5-7 दर्शन, भारतीय दर्शन, सेकेंड पेपर में सामाजिक राजनीतिक दर्शन और धर्म दर्शन। ये जो सेकेंड पेपर है ये समान अध्ययन का पार्ट है। जैसे यदि आप समान अध्ययन का जीएस का फर्स्ट पेपर आप पढ़ते होंगे, समाजवाद, मार्क्सवाद, धर्मनिरपेक्षता, दंड, ये सारी चीजें हम लोग सामाजिक राजनीतिक दर्शन में पढ़ते हैं। और निबंध जो 250 नंबर का निबंध जो पूछा जाता है, उसमें से पिछले 3 साल में 1 निबंध ऐसा है जो फिलोसफिकल है। और मेरा यह मानना है कि निबंध में नंबर उठा लिया जाए तो सिलेक्शन की संभावना बढ़ जाती है। मैंने देखा है कि मेरी क्लास के फिलॉसफी का कोई विद्यार्थी आईएएस का मेंस लिखता है तो निबंध में अच्छे नंबर आ रहे हैं। और यूपीएससी लगातार निबंध को फिलॉसफिकल बनाता जा रहा है,
और फिलोसफिकल निबंध में आपकी केवल एक सोच काम आती है, ये सोच ये बताएगा सोचने का तरीका क्या है और हम सब इसमें बेहतर कर सकते हैं। दूसरी चीज इथिक्स जो 250 नंबर का है, इस फिलॉसफी के फर्स्ट पेपर से आपको इथिक्स में काफी हद तक सहायता मिल सकती है। फिर भी एक प्रश्न आपके मन में यह उठता होगा कि शायद सभी लोग दावा करते होंगे अपने सब्जेक्ट को लेकर के किसमें नंबर उठाए जा सकते हैं। तो एक बात मैं बताना चाहता हूं कि मैं अपने क्लास का आकार बहुत छोटा रखता हूं और एक क्लास में पूरी कोशिश होती है 60 से 70 बच्चे ही बैठे ताकि टीचर हर विद्यार्थी के साथ इंटरेक्शन कर सके, उनसे संवाद कर सके, उनसे बातें कर सके, उनकी प्रॉब्लम सुन सके। इंटरेक्शन भीड़ में संभव है ही नहीं। दूसरी चीज, यदि आपको यह लगता है कि शायद मैं यूं ही दावा करता हूं तो एक बार आप क्लास आइए और बच्चों से बातें कीजिए, विद्यार्थियों से, कि जो मैं कहता हूं करता हूं या नहीं करता हूं। शायद मुझे पूरा विश्वास है एक बार जुड़ेंगे तो फिर आपके सफल होने की संभावना बढ़ जाएगी। मैं यूं ही दावा नहीं करता, यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं क्लास में बच्चों के अंदर प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा कर देता हूं। हर एक बच्चा दूसरे का कंपटीटर बन जाता है, सभी मेहनत करते हैं और उसका फायदा मुझे मिलता है या निश्चय आईएएस एकेडमी को मिलता है। क्योंकि जब बच्चों के अंदर प्रतिस्पर्धा बढ़ती है और हर बच्चा जब मेहनत करता है तो स्वाभाविक है सफलता का अनुपात बढ़ जाएगा, और सफलता का अनुपात जितना ज्यादा बढ़ेगा श्रेय या तो मुझे मिलेगा या तो निश्चय आईएएस एकेडमी को मिलेगा। मैं मेहनत बच्चों से करवाता हूं और श्रेय मिलता है निश्चय आईएएस एकेडमी को। थैंक यू।